तो दोस्तों हम चित्तौड़गढ़ के किले पे आ चुके हैं और ये हमारा वो व्यू पॉइंट है। यहाँ पे तो बंदर दिख गया है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या नज़ारा है व्यू पॉइंट का। हाँ देख सकते हो क्या व्यू पॉइंट मिल रहा है अपन को यहाँ पे। वो व्यू पॉइंट में मुझे दिखाना, ये हमारा ग्रीस है, ये ग्रीस है, ये है, ये ग्रीस है, ये इसके दोस्त है। दोस्तों मैं यहाँ एक बार ध्यान होंगे दोस्तों, फिर मैं आपको यहाँ पे है ना एक एज ए लोकल गाइडर की तरह मैं आपको दिखूंगा यहाँ पे, आपको बताऊंगा यहाँ पे सारी चीज़ें। चित्तौड़गढ़ के किले को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे हम दोस्तों। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, आप कैमरामैन साथी के साथ हो, आप देख सकते हो वहाँ पे, देखो वहाँ पे नीचे से आने का व्यू है थोड़ा सा, वो भी अच्छा व्यू दिखता है वहाँ से। फोन मत गिरा देना भैया। फोन गिरा और ये बंदर, अभी बंदर नहीं निकल रहे, ये ले पकड़ पकड़ पकड़, ऑटो ऑटो खींचा। तो दोस्तों ऑटो में हम बैठ चुके हैं और ऑटो वाले भैया हम आगे ले जा रहे हैं, जहाँ पे ये दिख, जो आपको साइड में दिख रहा है ये कुंभा महल है और ये हमें बता रहे हैं कि अंदर जाने का, अंदर कहाँ कहाँ हमें घूमना है ताकि हमारा समय बच सके। और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे एक गार्ड खड़ा है जो कि टिकट चेक करेगा, तो अब हम जाके चेक करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है आगे का। और अंदर जाके हम आपको प्लेस में आ चुके हैं, सीन बताते हैं। आप देख सकते हो इसका इतिहास यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं इसके लिए आपके मुझे लिए पढ़ना नहीं आता ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फोटो खींच लेता हूँ ताकि आपको बाद में अगर आपको मुझसे पर्सनली चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। तो हम ये थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे कुंभल प्लेस के, आगे बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम अंदर एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो कुंभा महल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शांति है। आपको हम इसके ऊपर भी चढ़ के दिखाते हैं कितना अच्छा है ये। और ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो इस तरीके से मेरी आपको थोड़ी वॉइस अटपटी सी लगेगी, लेकिन देख सकते हो हम इसलिए बना रहे हैं वीडियो ताकि हम अपने दोस्तों को दिखा सके, चिढ़ा सके, गन जला सके। लेकिन सॉरी ये वर्ड मेरे को बोलना पड़ रहा है, सॉरी इसके लिए। आप देख रहे हो उछल कूद नहीं करना है क्योंकि हमें हमारा ये जो ब्लॉग है जो अभी स्टार्ट किया है इसे यहीं ख़त्म नहीं करना है, हमें आपको आगे भी दिखाना है। कहाँ पे चलो ऊपर चलते ना फिर कूदो। तो सादिक भाई ने मना कर दिया वहाँ कूदने के लिए, अगर अदरवाइज मैं रिस्क लेने को तैयार था। ये रास्ता ब्लॉक है, अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ी गुफाएं हैं ये इस टाइप की, ये रास्ता वो यहाँ निकल रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, थोड़ा गुफा टाइप का है। और जब ये यहाँ पे इवेंट्स होते हैं तो ये लाइटिंग का यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है अंधेरे में। फाइनली अब हम दोस्तों उसी जगह से आए हैं, वहाँ से फाइनली अब हम यहाँ दिखाएंगे जो हमारे राजा महाराजा थे वो अपने रानियों के साथ जो क्वालिटी टाइम होती थी, जो स्पेंड करना था तो वो टाइम यहाँ पे व्यतीत करते थे। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, वो हमारा मंदिर है, वो मंदिर है, वो मंदिर में जब वहाँ जाऊँगा तो एक्सप्लोर करते टाइम मैं आपको बताऊँगा। वो कालका जी का मंदिर है, किसका है तो अभी मुझे फाइनली पता नहीं है, जो हमारे गाइडर है वो बताएंगे आपको। फाइनली देख सकते हो क्या व्यू है इस महल का, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो हाँ एक चीज़ दिखाना मैं आपको भूल गया, आप देख सकते हो पीछे भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है ऊपर की तरफ से, आपको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ मैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये फील ना हो कि भाई गिरीश भाई जो ब्लॉगर बना ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो उसमें एक एक चीज़ छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारा व्यू दिखेगा। तो दोस्तों अभी ब्लॉग में यहाँ पर रोकता हूँ, फिर आगे जाते हैं तो वहाँ पे हम बताएंगे नई चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों
ये दूसरा हिस्सा है जो हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं वहीं का हिस्सा है, ये पीछे का रह गया था। मैं देखा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये वाला हिस्सा भी दिखाऊंगा आपको, तो फाइनली ये हिस्सा मिल चुका है। क्या अच्छा व्यू आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे, और आपको मैं आपकी नज़र वहाँ तक पहुँच रही होगी, तो आप देख सकते हो वहाँ पर भी कुछ किला टाइप का दिख रहा है, वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं, वहाँ जाके आपको एक्सप्लोर करेंगे ये सारी चीज़ें। अभी के लिए आप ये देखो क्या व्यू है। हाँ, आप देख सकते हो हमारे साथ कैमरामैन, पहले पिछले वाले वीडियो ब्लॉग में शादी भाई थे, अब यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको करतब दिखाते हुए। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए। फाइनली ब्लॉगर का यहाँ पे फेस आ चुका है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये शादी भाई ने एक जगह फाइंड करी है, ये आप देख सकते हो, ये गेट है जहाँ पे ये शादी भाई बता रहे कि यहाँ पे जेलर्स को रखा जाए, मतलब कैदीज को रखा जाता था। और यहाँ आप देख सकते हो बड़ी बदबू आ रही है यहाँ पर, चूहे हुए की है बदबू है, और हम नहीं जाना जाना नहीं चाहते अंदर, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हो वहाँ पे बड़े ही सीक्रेटली तरीके से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, देख सकते हो क्या क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर। मैं थोड़ा अच्छा चाह रहा, शादी भाई बोल रहे फोटो लो फोटो लो, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे गाइडर्स थोड़ा वहाँ गाइड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा रुक चुका हूँ, शांत हो चुका हूँ, वहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे बैकग्राउंड में आपको एक अशोक स्तंभ मिल दिख रहा होगा, एक वहाँ जाने वाले अभी हम अगले ब्लॉग में बताने वाला हूँ। और चला उस साइड लेता फोटो अच्छा आएगा। चलो ठीक है, अभी के लिए दोस्तों अभी ये ब्लॉग बंद करते हैं और थोड़ी देर में ही आपसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको शहर का व्यू पॉइंट दिखाने के लिए कैसी जगह ले जाने वाले हैं, यहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा आपको दिखाने के लिए। वहाँ पे जा रहे हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं उस व्यू पॉइंट पे जहाँ पे शहर का पूरा व्यू दिखता है, आप देख के भी चौंक जाओगे। ये काम गलत है जो यहाँ शादी में जाते हैं, देखो यहाँ पे ये थोड़ा इम्प्रेशन गलत पड़ता है अगर बाहर के कोई विजिटर यहाँ विजिट करता है तो, ये कचरा जो फैलाया हुआ है यहाँ पे ये पूरा गलत है। तो दोस्तों ये मीरा मंदिर है, मीरा मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं, देख सकते हो आप। ये लोकल गाइड हमें बता रहे हैं। तो ये मंदिर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देख सकते हो इस मंदिर में बड़ी ही आश्चर्यचकित वाली चीजें दिख रही है। इस मंदिर के अंदर हम घूम रहे हैं, मतलब राउंड राउंड गैलरी टाइप का है इसके अंदर, अच्छा व्यू है ये देख सकते हो। अच्छा ये मंदिर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, अब इसके हम चारों तरफ घूमेंगे मंदिर के, देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर है। ये मीराबाई के लिए ये मंदिर बनाया गया था स्पेशली, ताकि पास में रहे, मेरे को ऐसे ही लोकल गाइडर से सुनने को मिला ऐसा ही, इसलिए बनाया गया था। बहुत ही प्यारा मंदिर है भी। मीरा जी की मूर्ति है अंदर।
तो दोस्तों अब हम यहाँ अशोक स्तंभ की ओर आ चुके हैं। आप देख सकते हो कितना ऊपर तक है, इसकी बहुत ऊंची हाइट है, इससे ज़्यादा ही लग रही है मुझे तो इसकी हाइट। बहुत ही प्यारी जगह है और इसकी खास जगह, खास चीज़ और बताना चाहेंगे, इसके आगे जौहर कुंड है जहाँ पर स्त्रियों ने मतलब कुछ अटैक्स हुए थे उस टाइम पे खिलजी विलजी के, तो उन लेडीज़ों ने अपना जौहर किया था, मतलब उसमें उस अग्नि कुंड में कूद गए थे, तो उसमें वही दिखाएंगे अभी आपको। बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। तो वो जो कुंड, जिस कुंड की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक शिवलिंग भी बना हुआ है प्यारा सा, वहाँ पे पानी गिरता है गर्मियों में, गर्मी में ठंडा पानी गिरता है और ठंड में गर्म पानी गिरता है, तो ये हमें लोकल गाइडर ने बताया है यहाँ पे, तो उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों यही है वो पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ के नीचे वो गड्ढा था पहले, उसे इन्होंने घास वास लगा के थोड़ा बंद कर दिया है ऐसा बताया। ये हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एक बार, जब तक आप इस चीज़ का लुफ्त लीजिए, मज़े लीजिए। फाइनली दोस्तों आप गिरीश के ब्लॉग में आ चुके हो, मैं हंसते हुए थोड़ा बता रहा हूँ, और मेरे साथ है सादिक भाई जो कि हमारे लोकल गाइडर है, लेकिन इनको इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये जो जगह है ये जौहर वाली जगह है, जिसे अभी घास वास लगा के थोड़ा बंद कर दिया गया है। जो बताया जाता है कि जो राजा महाराजा के टाइम पर जो आक्रमण होते थे, तो स्त्रियों से कुछ स्त्रियों का मतलब स्त्री अपना जौहर करने के लिए मतलब यहाँ पे मतलब छलांग लगा दी, मतलब ऐसा कुछ है, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है। और यहाँ का आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो जो है अशोक स्तंभ है, अशोक जैसा मतलब वो स्तंभ है, हमें लोकल गाइडर यहाँ पे बता रहा था। हाँ मीनार है यहाँ पे वो, थोड़ा माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं करके होगा। हाँ रुको एक मिनट, वो लेक तो दिखा दूँ मैं। तो राजा महाराजा वाला जो टाइम था, उस टाइम पे गर्मी का टाइम था, तो पानी नहाने का शायद यही हो सकता है। और वहाँ शिवलिंग है जो मैं बता रहा था, गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी गिरता है, वो सब अच्छा व्यू पॉइंट है। तो दोस्तों वापस हम व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं। एक छोटा सा लेक बना हुआ है यहाँ पे, शायद ऊपर से पानी आता है इसका। वो जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे वहाँ से कहीं पानी आता है। वैसे पानी का सोर्स तो मुझे भी ढंग से अच्छे से पता नहीं है। हमारे ब्लॉगर सादी भाई जुड़ चुके हैं हमारे ब्लॉगिंग में, ये पीछे आ रहे धीरे धीरे, अभी मना कर रहे थे आने के लिए, लेकिन आ चुके फाइनली मेरी एक रिक्वेस्ट पे। यहाँ से टॉप दागो, बहुत ही अच्छा व्यू, मजा आ गया भाई। लग रहा था कि यहां से खड़ा होकर फोटो खिंचवाएंगे ना। हाँ देखो सादिक भाई कहाँ घुस रहे, बच्चों वाली हरकतें कर रहे, लेकिन देख सकते हो कहाँ घुस चुके। बहुत अच्छा नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। मैं लोकल गाइडर ने बताया था यहाँ पे इसका पानी का मतलब हम अच्छा ये पानी नहीं होगा, शायद लोकल गाइडर ने गलत बता दिया होगा, लेकिन जो भी है ये जगह मतलब अच्छी जगह है चित्तौड़गढ़ की, जो बढ़िया मतलब खूबसूरत जगह पे आ रही है। आप ब्लॉग में देख सकते हो लोग कैसे कैसे नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं हवा में।
एक बार अंदर जाके देखना कितना गड्ढा। ओह मेरे को नहीं गिरना भाई। लेकिन देखो इसमें फोटो मस्त आती है, आप खिंचवाना चाहो तो लो अपनी एक साथ की फोटो खींच लेते। ले इधर आओ एक बार जल्दी से, सेल्फी ले रहा। देखो कितनी मस्त फोटो आ रही, क्लीन आती है फोटो, पानी जहाँ पास रहता है ना। ठीक है ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें नई चीज़ पता चली है, जो हम पिछले ब्लॉग में बता रहे थे कि वहाँ पे एक शिवलिंग है, शिवलिंग पे पानी गिरता है गर्म, गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी और ठंडी में गर्म पानी गिरता है। तो वो पानी का जो सोर्स है वो सामने जो मंदिर है उसके अंदर एक शिवलिंग है ना, शिवलिंग है इस, तो उस शिवलिंग से पानी आता है, वहाँ से ये पानी आता है। और ये पानी देखो यहाँ नीचे जा रहा है, और आप देख सकते हो वहाँ पर मछलियाँ कितनी सारी है, लोग वहाँ पर मज़े ले रहे हैं आराम से, मछलियाँ उछलते हुए दिख जाएगी आपको। लेकिन जो सीन आ रहा है ना वो बहुत ही सीन अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। चाहे सादिक भाई बोर हो चुके हैं लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जिसके ऊपर चलना है आपको, चलो लेकिन पहले आगे तक चल के देखते हैं, आगे कुछ नया भी दिख जाएगा ब्रो। देखो सादिक भाई का मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम उनको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम हमारे पास कम है लेकिन लोकल गाइडर जो हमें मिला है, जो ऑटो वाला है, उसको हमने 450 पे है ना, मतलब उसको कंफर्म कर दिया है। और है ना वो बंदा पर पर्सन नहीं, 2% उसको हमने ऐसी कुछ जड़ी बूटी बातों में फंसाया ताकि वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया। और मतलब जो लोकल गाइडर का जो काम होता है ना वो भी हमारे साथ कर रहा है और बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे ये घूम लेना। तो उनके हम उनके ये चीज़ें कहने पे हम यहाँ पे आए, इसलिए हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ रहा है, ऐसे डाल करके निकाल ले, इसलिए हमें इतना भटकना नहीं पड़ रहा है। और सादिक भाई यहाँ पे ज़बरदस्ती मज़े लेते जा रहे हैं, और ब्लॉग में आप देख सकते हैं बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन अभी क्या करें, अब ये सोच रहे मेरा फ़ोन गिर जाए इसके अंदर, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं गिरे। सीढ़ियाँ यहाँ पे है बनी हुई है, यहाँ देखो छोटे छोटे जो जगह बनी हुई है हवा के लिए बनी हुई है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे, फोटो मस्त आ रही है। लोगे तो नई चीज़ पता चली है अभी, हमें वो बताना चाहूँगा। अभी एक्सप्लोर किया है सादिक भाई ने अपने दिमाग से, पता किया है इसको। आप देख सकते हो ये जो खिड़कियाँ हैं इनका जो शेप है ना, थोड़ा तिरछा दिखेगा आपको। जो यहाँ पे पहरेदार होते थे उनको, उनके टाइम पे क्या होता था, ये पहरेदार ऊपर से देख लेते थे लोगों को, लेकिन जो नीचे वाला जो बंदा होगा वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि इन खिड़कियों का जो शेप है ना वो थोड़ा तिरछा बना हुआ है। तो उनको ऐसे लगेगा कि ये जो दीवार है ना पूरी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ फाइंड करी है, ये इसके लिए हमें है ना, इस ब्लॉग के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा इस ब्लॉग को। ये देखो दूसरी खिड़की आपने देख, देखो दूसरी खिड़की भी इन्होंने एक्सप्लोर कर दी है। आप ढंग से देखो, ये थोड़ा तिरछा है अंदर की तरफ, नीचे भी देख सकते हो इस खिड़की की ये खासियत है। ये देखो अच्छे से देखो इस खिड़की को, नीचे तक देख सकते हो, नीचे वाली खिड़की है, मतलब नीचे देखने के लिए ये इतनी अच्छी खिड़की है। खिड़की मतलब नेचुरल बनाई हुई है। उस टाइम पे आप देख सकते हो कि है ना, जो उस टाइम के लोकल जो वो लोग थे जो बनाने वाले थे है ना, उन्होंने क्या सोचा होगा और किस तरीके से बनाया होगा, उनका किस तरीके का दिमाग होगा। बहुत ही अच्छा दिमाग था भाई, इसलिए उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने के लिए ही आए हैं। और आप देख सकते हो नहाने जा रहे थे, तो अब हम नेक्स्ट जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे आपको एक्सप्लोर करेंगे और वहां पे हम नया ब्लॉग बनाएंगे। तो आप उस ब्लॉग के लिए वेट कीजिए, ठीक है, थैंक यू। ये पद्मावती महल में आ चुके हैं हम, अब अंदर जाने के बाद टिकट विकेट दिखाने के बाद मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो महल के अंदर आ चुके हैं हम, यहाँ पे पब्लिक थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ये शीश महल है, यहीं पे खिलजी आया था। और पद्मावती का जो महल है वो भी यहीं है, वो गाइड लोकल गाइडर हमें बता रहा था यहाँ पर कि शीर्ष जैसा कुछ कांच का महल बना हुआ है जिसे हम शीर्ष महल कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, ये एंट्रेंस है, ये पद्मावती महल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे तो जन सुविधाएं लिखा हुआ है, ये थोड़ा पार्क टाइप का,
हाँ थोड़ा इस महल में भी अंदर जाके आते हैं, लेकिन अपन रानी पद्मावती वाले महल में ही तो है। सारा व्यू यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये देखो क्या अच्छा रानी जी के लिए क्या क्या अच्छा चीज़ बनाया हुआ था। शौचालय तो हमारे लिए बनाया हुआ है, लेकिन रानी जी के लिए नहीं है वो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, कुंड। शायद रानी पद्मावती यहीं पे स्नान के लिए आया करती थी, या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जो मैं अभी आपको पूरा बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है अच्छे से। देख सकते हो अच्छा है व्यू यहाँ पे भी। शीट स्मेल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है। वहाँ पे एक मंदिर है। अब हम दूसरे हिस्से पे जाना की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कुछ हमें दिखता ही नहीं दिखता। तो हम दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ यार, इसका कुछ बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं इसको चैनल पे अपलोड करता हूँ तो भर भर के लाइक आने चाहिए। मुझे सपोर्ट चाहिए। पहला ब्लॉग है, आप देख सकते हो ये सीड्स महल। हाँ, वो जो अंदर पानी के अंदर जो बना हुआ है ना, वो अंदर से हम जाके अगर देखें, अगर जाने का रास्ता तो नहीं है, तो वो अंदर से शीशे से बना हुआ है, तो उसी को सीड्स महल कहते हैं। आप देख सकते हो तालाब चारों तरफ, एकदम जो जयपुर में जल महल है उसके जैसा लाइक बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। मेरे को मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे घूमने में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मैं तो कहूँगा आप भी कभी रणथंभौर घूम रणथंभौर नहीं, ये कौन सा है भाई बताऊँ, मैं भूल गया। कौन सा जगह मैं भूल गया, रुको याद करने दो मुझे। चित्तौड़गढ़ के किले पे आने की को देखिए, यहाँ पे घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी जगह है, बहुत टाइम लगेगा यहाँ घूमने में। तो काली जगह कालिका माँ माता जी का मंदिर है ये श्री। इस व्यू के बाद अब कालिका माता जी के मंदिर में आ चुके हैं हम। ये कालिका जी का मंदिर है। अच्छा बना हुआ है। पत्थरों से क्या बनाया है मंदिर यार, मजा आ गया। ये मैं पूरा मंदिर घूम के चारों तरफ घूम गया, आपको बाहर का बता दिया कैसे कैसे स्ट्रक्चर है इसका बाहर से।
ये जो है मेन गेट पे आ चुके हैं और ये सूर्यास्त और सूर्य उदय दोनों चीजें यहीं से ही देखा जा सकता है, एक व्यू पॉइंट मान सकते हो सूर्यास्त और सूर्य उदय का। और ये ज़्यादातर सभी महलों का जो मुख्य द्वार है पूर्व दिशा में होता है, वही ये मुख्य द्वार है, ये जहाँ से सेना अंदर आती है और बाहर जाती है, और युद्ध जो मैदान बोला जाता है, युद्ध किया जाता है, वो भी युद्ध यहाँ पे किया जाता है। अभी तो यहाँ पे खेती बाड़ी वाला सीन हो गया है, तो आप देख सकते हो अच्छे से। तो व्यू आप देख सकते हो, ये सूर्य अस्त और सूर्य उदय वाला जो सीन है वो हम यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो क्या माहौल है, क्या व्यू है। और युद्ध जो होते थे सेनाओं में, वो सामने ये जो आपको खाली मैदान सा दिख रहा है, यहीं पे युद्ध हुआ करता था राजा महाराजाओं के टाइम पे। ये अभी गांव बस चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी देख सकते हो, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इसको युद्ध मैदान बोला जाता है, और यहीं पे सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है। अभी तक तो हमें यही पता चला है लोकल गाइडर से। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम आपको। ये जगह अच्छी लगी आपको तो इस जगह का नाम आपको बताया था मैंने, या अभी तो शायद मैं भी भूल गया हूँ, बाद में बताता हूँ। दोस्तों आपको ये जो मैं आपको पूरब वाला जो द्वार बता रहा था, मुख्य द्वार है इस महल का, वो आपको अच्छे से घुमाता हूँ। यहाँ पे ये जो तो लोग यहाँ पे मतलब सेनाएं यहाँ से उतरती और चढ़ती थी, यहीं से आया करती थी। आपको दिखा दूंगा अच्छे से, ये महल देख सकते हो आप, इसको अपन को अच्छे से देखना है, वहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इसको चढ़ने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे चढ़ चुका हूँ फाइनली। थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे, और ऊपर चढ़ के ही अपन को आगे का व्यू दिख सकता है, जहाँ से जो सेनाएं थी वो ऊपर चढ़ती थी, वो रास्ता मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, फाइनली मैं इस दीवार के ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ये देख सकते हो आप बहुत गहराई दिख रहा है। वो महल का रास्ता आप देख सकते हो, यहीं से ही मेन द्वार है ये, यहीं से सेनाएं अप डाउन करती थी। यही मुख्य द्वार है, क्या व्यू है। तो दोस्तों हम जैन मंदिर में आ चुके हैं, जो बैगम्बर और दिगंबर जैसे जो दो टाइप के मंदिर होते हैं जैनों में भी, उस टाइप का ये दूसरे टाइप का मंदिर है। हम फाय और पिछले वाला जो दिगंबर वाला जो मंदिर था वो ऊपर था, हम जाके आए हैं, बस मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, बस उसकी फ़ोटोज क्लिक करके आया हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये भी बना हुआ है जैन मंदिर, बड़ी अच्छी कलाकारियाँ हैं इसमें भी। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये देखो कितना अच्छा है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैं थोड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो ये कैमरा चेंज करने का नहीं है इसमें, नहीं तो मैं आपको अच्छे से दिखाता। श्रीमती पवन देवी मंगन लाल जी मेहता निवासी सांडे राव मुंबई, ये देखो। श्री भामा शाह वहाँ लिखा आचार्य जी श्री विजय नीति सूरी, और वहाँ लिखा हुआ था आचार्य श्री हरिमद्र सूरी, और यहाँ पे श्री कर्मा शाह लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू है, अच्छे मंदिर बने हुए थे, शांति तो है यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। तो कितने अच्छे से बनाया हुआ है ये मूर्ति, देख सकते हो, मूर्ति नहीं मतलब मंदिर की जो कलाकार की है उसकी, देखो कितने अच्छे से। दोस्तों
दोस्तों जैन मंदिर में मुझे एक गेट मिला है जो कि बहुत दिखने में बिल्कुल चांदी जैसा लग रहा है, और वाकई में ये चांदी का ही है। आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे मूर्तियों पे है ना कलाकृतियाँ बनी हुई है, और ये कलाकृतियाँ देखने में ऐसे लग रहा है थोड़ा बुद्धिस्ट टाइप का लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता इतना इनके बारे में, फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इस ब्लॉग में। अच्छा व्यू है, पसीने आपको लग रहा होगा भाई थक गया बोलते बोलते, आपको सही लग रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ फाइनली, क्योंकि हम अभी तो हम है ना गाड़ी से ही ट्रेवल कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी जगह चेंज कर रहे हैं, मतलब घूमने वाली 8-9-10 जगह बता रहे थे वो घूमने वाले मंदिर है, उनमें से 4-5 जिसमें से 2 जैन मंदिर है, 3 है ना हिंदू मंदिर है जिसमें कालका मंदिर था और कालकी जी मंदिर था और मीरा जी का मंदिर था और एक और मंदिर था वो उसका नाम मुझे याद नहीं है, और ये एक जैन मंदिर 2 थे, एक उसमें से दूसरा मंदिर ये है। ठीक है ब्लॉग, तो इसी तरीके से हमारा ब्लॉग चित्तौड़गढ़ फोर्ट का ख़त्म होता है।